कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं PNG ज्वेलर्स। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद द्वारा समर्थित राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML ने पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। पार्टी ने संसदीय और राज्य विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में हाफिज सईद का बेटा भी चुनाव लड़ेगा। पाकिस्तान की अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार तलहा सईद लाहौर की NA 127 सीट से चुनावी मैदान में उतर रहा है और इसके लिए नॉमिनेशन फाइल भी कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार तलहा सईद PMML की टिकट पर ही चुनाव लड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस पार्टी को फंडिंग हाफिज सईद के सोर्सेज द्वारा ही मिलती है। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी 2024 को होंगे। PMML पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह कुर्सी रखा है। खास बात यह है कि जिस सीट से PMML का अध्यक्ष खालिद मसूद चुनाव लड़ने वाला है, उसी सीट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट NA 130 लाहौर की है। आपको बता दें कि PMML ने 2018 में आम चुनाव में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के राजनीतिक चेहरे मिल्ली मुस्लिम लीग के रूप में भाग लिया था, लेकिन उसके सभी उम्मीदवारों के जमानत तक जब्त हो गए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेकते हुए पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और उसके राजनीतिक चेहरे मिल्ली मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद इस पार्टी ने अपना नाम बदलकर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर लिया है और अब यह पार्टी पाकिस्तान में आम चुनाव में उतरने जा रही है। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 2021 में जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामलों में 32 साल की सजा सुनाई थी। 26/11 के मुंबई हमलों के इस मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कुल 7 केस में 68 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।